तो फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल है कि किस तरह से आप अपने ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्शन इफेक्ट दे सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफिक ले लिया है। अब मुझे इसका रिफ्लेक्शन बनाना है। उसके लिए आपको रिफ्लेक्शन अच्छी तरह से दिखे, तो इसके लिए मैं एक वीडियो भी यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने इन वॉटर वाली वीडियोस में से एक वीडियो लेके इसको एज अ बैकग्राउंड सेट कर लिया। अब ये है मेरा ऑब्जेक्ट जिसका मैं रिफ्लेक्शन बनाना चाहती हूँ। बहुत इजी है, आपको इसे सिलेक्ट करना है, आपको एप्स में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है इजी रिफ्लेक्शन। ओके, जैसे ही इजी रिफ्लेक्शन आप सिलेक्ट करोगे, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी, ये वाली। सो यू नीड टू ओपन दिस। आप जब इसको ओपन करोगे तो ये आपको ऑप्शन देगी। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये आपको कहेगा कि आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और अगर आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, तो ये आपको क्रिएट रिफ्लेक्शन की ऑप्शन देगी। ओके, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और अब आपको ये कुछ और ऑप्शंस दे रही है, जैसे कि आप अपने रिफ्लेक्शन की पोजीशन को बिलो करना चाहते हैं, अबव करना चाहते हैं। देखो, बिलो करोगे तो इस तरह से आएगी। यहाँ पे जो इसका शेडो, इसका जो शेडोज़ हैं, जो इसकी शेडोज़ बन रही हैं, वो अलग अलग तरीके से बन रही हैं। देखो, ये बिलो है, ये अबव है। ये अबव में क्या होगा, थोड़ा सा ब्लर्ड आ जाएगा, थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी ऊपर थोड़ी कम आ जाएगी, तो ऐसे लगेगा जैसे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन जा रही है। ठीक है, बिलो में क्या होगा, थोड़ी सी ओपेसिटी यहाँ से कम हो जाएगी, लेफ्ट में थोड़ी सी ओपेसिटी लेफ्ट से कम हो जाएगी और राइट में थोड़ी सी राइट से कम हो जाएगी। ओके, तो हम एक एक करके सारी रिफ्लेक्शंस को यहाँ पे लगा कर देखने की कोशिश करेंगे। सो पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने बिलो ले लिया। अब इसमें ऑफसेट आप सेट कर सकते हो, आपको कितनी ओपेसिटी आपको ऑफसेट चाहिए, आप उतनी यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये गलती से आ गया है। ओके, उसके बाद आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हो कि आपको कितनी ओपेसिटी यहाँ तक चाहिए। ओके, तो अब जब आप इसको यहाँ से सेट कर लोगे, तो अब आपको इसे ऐड टू डिज़ाइन कर देना है। ये देखो, ये आपका रिफ्लेक्शन बिलो बनकर आ गया। ओके, अब अगर आप इसको करके देखोगे, प्ले करके देखोगे, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, अब ये बिलो रिफ्लेक्शन है। अब इसी रिफ्लेक्शन को मैं अबव करके देखती हूँ और इसे ऐड करती हूँ। ये देखिए, ये अबव वाली आ गई। अब आप दोनों को यहाँ पे रख के देखिए, अबव पे और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। जब हम अबव पे देख रहे हैं, तो अबव पे हमें ओपेसिटी का थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस जो है वो लग रहा है। तो ये चीज हम सेट कर सकते हैं कि हमें कैसे चाहिए, आपको रिफ्लेक्शन कैसा चाहिए। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट रिफ्लेक्शन यूज करते हैं और ऐड टू डिजाइन करते हैं, तो ये हमारे पास लेफ्ट में आ गई, लेफ्ट यानी कि इस साइड पे। देखो, जिस भी साइड का मेरे यहाँ से इसका जो ओपेसिटी है वो कम आ गई, तो ये रिफ्लेक्शन ऐसा लग रहा है। इसमें बिलो ओपेसिटी कम आ गई, यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी ओपेसिटी कम आ गई। इसी तरह से अगर हम इसको राइट में लेते हैं और ऐड करते हैं, तो इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी राइट हैंड साइड से कम हो जाती है। तो इस तरह से ये आपको
चारों ओर से एक रिफ्लेक्शन की तरह से लग रहा है। तो आप जो भी इसमें रिफ्लेक्शन रखना चाहते हो अपने ऑब्जेक्ट का, वो रिफ्लेक्शन आप रख सकते हो और बाकी को आप डिलीट कर दो। तो इस तरह से आपको ये रिफ्लेक्शन दिखेगा। ओके, आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके और फ्रेंड्स भी इस ट्रिक को समझ सकें। और अगर आपको कैनवा में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या सीखना चाहते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका सोल्यूशन दे सकूँ। तो अगली वीडियो तक बाय बाय।